हेलो वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। देखिए, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि सर क्या हम पेमेंट में और उसमें जैसे बाउचर में जीएसटी में लगाने की जरूरत है अगर हम सेल्स और परचेज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में बिल कैसे बनाते हैं, ये भी एक सवाल था। तो बिल तो आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डाल रखा है टैली के लिए। देखिए, कोई भी काम करना है, टैली अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहली जो एंट्री आपको पास करनी चाहिए उससे बाउचर की पास करनी चाहिए। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए क्यों, क्योंकि जब तक आपकी कंपनी में कैश होगा नहीं तब तक आप कुछ भी परचेजिंग नहीं कर सकते। तो अगर बात करें बिजनेस की तो यहाँ पर सबसे पहले तो बाउचर में आपको चलना है, ठीक है। और बाउचर में चल के आपको एंट्री पास करानी है तो सबसे पहले बाउचर में चलते हैं, रिसिप्ट बाउचर में जाना है। तो यहाँ से आना है रिसिप्ट बाउचर में, तो रिसिप्ट बाउचर के लिए F6 प्रेस करते हैं हम। तो यहाँ पे आ गए रिसिप्ट बाउचर में। अब यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट, तो देखिए कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर मैंने बनाया, अगर आपने नहीं बनाया तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर लेजर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कैपिटल अकाउंट और इसे डाल दीजिएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में और यहाँ पर इसको सेव करा लीजिएगा, यही तो काम है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट मेरे पास पहले से बना हुआ है तो ये कैपिटल अकाउंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर कुछ भी लाइक कोई भी अमाउंट यहाँ पर रिसीव करा देता हूँ कैश में, ठीक है। अब बैंक से रिसीव कराना चाहिए तो बैंक से भी करा सकते हैं। तो ये आ गया। अब बाहर आना है आपको, अब यहाँ से परचेज करना है। तो जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक आप सेल्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परचेज में एंट्री दिखानी पड़ेगी आपको। अब देखिए रिश्ता तो एक या दो जगह मिस कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कर दिया हमने। अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना है, लाइक आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर अंडर क्रेडिटर की जो ग्रुप है उसमें डाल के बना सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे कर देता हूँ उमेश, ठीक है। तो ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, पहचान के लिए यहाँ सी लिख देता हूँ, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, समझ में आता हो आपको कि ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपल एकदम बिगिनर्स के लिए है कि आप कैसे एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे क्रेडिटर पार्टी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप दिया होता है इसमें, इजी को आपको चूज कर लेना। तो ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आप ले लीजिए, मेंटेन बिल बाय बिल ये सारी चीजें यस रखनी है आपको। यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आइए, एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा और इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। जीएसटीआईएन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। एंटर 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 करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। फिर यहाँ पर आइए, एंटर करिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर आपको जीएसटीआईएन नंबर डालना था, ठीक है, जो हमने नहीं डाला है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको जीएसटीआईएन नंबर डालना है, ये जो है ना पार्टी की डिटेल, यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जीएसटीआईएन नंबर आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया और एंटर प्रेस किया, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट का लेजर अगर आपने नहीं बनाया तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से बना हुआ है, यहाँ पर जो सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको रख देना है परचेज अकाउंट, बस इतना ही करना है, बाहर आ जाइए। फिलहाल मैंने बना रखा है, मैं इसी को ले लेता हूँ। और आप जो भी स्टॉक आइटम आपने बनाया हो, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करके बनाएंगे, ठीक है। यूनिट वगैरह का ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड बना रखा है तो एक कीबोर्ड ले लेता हूँ, एक कीबोर्ड को परचेस करता हूँ, 8 कीबोर्ड परचेस कर रहा हूँ, एक कीबोर्ड की खरीद रेट हमें पड़ रही है कितनी, 100 रुपए, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर जीएसटी अगर आपने इनेबल नहीं किया तो कैसे इनेबल करेंगे, देखिए जीएसटी यही पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि जीएसटी आपको रिसिप्ट वाउचर में जाकर के लगाना है। अगर आप परचेस कर रहे हो सेल्स कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में जीएसटी आपको रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर में जाकर नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ से 11 की प्रेस कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए जीएसटी इनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जीएसटी को इनेबल कर रखा है मैंने और यहाँ पे पेरोल भी ऑन है, तो ये पुरानी कंपनी है जिसने मैं पेरोल सिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऑफ कर देते हैं और ये ब्राउज इसको ऑफ रखते हैं और यहाँ से जीएसटी इनेबल रहेगी। तो जैसे ही आप इनेबल करने जाएंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी, आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए, स्टेट चूज करना कंपलसरी है, यहाँ पे रेगुलर रखिएगा, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आइएगा तो कब से जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे कर देता हूँ 1/4/2019, क्योंकि हमने 1/4/2019 से ही काम शुरू किया है तो उसी डेट से ये अप्लाई होना चला जाएगा। और बाकी जो ये जीएसटीआईएन नंबर मैंने फिल किया था वो आ गया है और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर हम मंथली जीएसटी फाइल करना चाहते हैं या क्वार्टरली वो देख लीजिए, अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो यहाँ क्वार्टरली भी रख सकते हैं, चलिए क्वार्टरली ही रख लेता हूँ। यहाँ पर वाइट प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आता हूँ, आपको यहाँ पर टैक्सेबल ही रखना होगा, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10% जीएसटी, ठीक है। तो ये 10% कर दिया, एंटर प्रेस किया, अब इसका एक स्लैब बना हुआ 10%, 12%, 18%, 21% या 28%, इसी में से कोई जीएसटी आपको लगानी होगी, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको आप करा लेते हैं एक्सेप्ट, है ना।
तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर आपको करना है 1/4/2019, एंटर प्रेस करना है, ठीक है, एंटर प्रेस करना है और इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, कंट्रोल प्रेस कर दीजिए ताकि ये एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाए, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे जीएसटी लगाना है आपको, देखिए कोई भी जीएसटी का लेजर अभी फिलहाल नहीं बना हुआ है क्योंकि मैंने सी प्रेस किया, यहाँ पे सी जीएसटी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हमें यहाँ जीएसटी के लेजर्स बनाने होंगे और यहीं पर आपका जीएसटी लगेगा, कहीं और नहीं जाना है आपको, यहीं पर जीएसटी लगाना है। जब आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको सेल्स वाउचर या परचेस वाउचर में ही जीएसटी लगा देना है, बाकी पेमेंट करते वक्त वो अलग हिसाब किताब होगा, वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, इसी के हिसाब से सारी पेमेंट्स वगैरह होंगी। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जीएसटी के लिए लेजर क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं कर देता हूँ सी जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे ये जीएसटी रहेगा, और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कर दीजिए। सेंट्रल टैक्स जैसे ही करेंगे एंटर करके नीचे आएंगे, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देना है आपको, ये कर दीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट करवाइए इसको। अब यहाँ पर देखेंगे कि जीएसटी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया है, ऑटोमेटिक सही से करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, एसजीएसटी कर दीजिए, सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, नहीं तो आईजीएसटी लगाना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, सेम स्टेट का मामला होगा तभी सीजीएसटी एसजीएसटी लगाइएगा, नहीं तो आईजीएसटी लगा दीजिएगा, है ना। अब ये हो गया, अब ये नॉर्मल इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है, तो इस तरह की गलती आप मत करिएगा। यहाँ पर आता हूँ, ये एसजीएसटी है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये जीएसटी है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया था जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी, तो आपको स्टेट टैक्स रखना है यहाँ पे। इंटीग्रेटेड टैक्स तब लगेगा जब आप डिफरेंट राज्य में माल बेचेंगे या वहां से खरीदेंगे, तब लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, आप यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब एंट्री पास करेंगे तो सारी एंट्रीज आसानी के साथ हो जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। परचेज ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर कुछ अलग सप्लायर का जो नंबर डालते हैं, यहाँ पर आते हैं 1 अप्रैल 2019 को ही हो रही है परचेजिंग, जैसे कि आप जानते ही उमेश नाम से मैंने क्रेडिट कार्ड का लेजर बनाया था। एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर जीएसटीआई नंबर याद है मैंने डाला था, तो जीएसटीआई नंबर डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो गया जीएसटीआई नंबर। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है, जानते हैं आप, और यहाँ पर कीबोर्ड लिया था हमने, तो कीबोर्ड लेते हैं 8 कीबोर्ड से, तो ये ले लिया हमने, 1 कीबोर्ड हमको 100 रुपए का पड़ रहा है, तो 8 कीबोर्ड हमको 800 का पड़ेगा। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी बना ही रखा है, सीजीएसटी को आई जा रहा था, एसजीएसटी में गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पर ये हो गया, ये आ गया। अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूँ इसको, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जब परचेज करेंगे तो पेमेंट करना पड़ता है, तो पेमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर में जाएंगे, तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको F5 प्रेस करना है, और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पार्टी का नाम क्या था, देखिए पार्टी का नाम था आपका उमेश, तो यहाँ पर जैसे ही उमेश पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ आ रहा है, उमेश पर आएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 818 रुपया इनका बकाया है, तो आप यहाँ पे 818 कीजिए, ये पेमेंट कर रहे हैं सेम डेट पर, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डेट पे पेमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, F2 करके डेट चेंज कर लीजिएगा, डेट आगे बढ़ा करके पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं सेम डेट पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये 818 रुपया कर दिया। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, ये कर्सर अपने आप आ जाता है अगेंस्ट रेफरेंस पे, ये टैली की खासियत है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, आप देखिए ये आ गया ना। अब आप कैश में पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, कैसे पेमेंट करना चाहते हैं ये देख लीजिए। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 818 रुपया नहीं है हमारे बैंक माइनस में है, तो हम कैश कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको सिंपली कैश कर देना है, ठीक है। बैंक की जगह क्या करेंगे, कैश कर देंगे, या सी प्रेस करेंगे, देखिए कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंटर प्रेस करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ, तो ये हो गई एंट्री पास, ठीक है। अब बाहर आएंगे देखना इसको, तो दो बार डी प्रेस करेंगे, ये हमारा एंट्री है, ये देख सकते हैं यही वाली एंट्री है। अगर प्रिंट करवाना है तो पी प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर कहीं भी जीएसटी लगा बताइए, पेमेंट वाउचर में तो नहीं लगा, तो अभी परचेज वगैरह करते वक्त आपको पेमेंट वाउचर में जीएसटी नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। आप देखिए ये बिल बन गया है, देखिए यही बिल है आपका, इसी तरह से बिल बनाते हैं, ठीक है ना।